हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी बुचेरिया बैंक्रॉप्टी हाथी पांव जिसे कहते हैं। यदि पैर आपका ये पैर जो है मोटा होते होते हाथी के समान यदि काफी मोटा हो जाए तो इसे हम बुचेरिया बैंक्रॉप्टी के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। इसमें हमेशा आपको मच्छर के काटने से जो बीमारी फैलता है उसमें खास एक फाइलेरिया है। ऐसा नहीं है कि मच्छर के काटने से केवल हाथी पांव फाइलेरिया भी होता है, बल्कि बहुत प्रकार का बीमारी होता है। फाइलेरिया आपके जीवन को प्रभावित तो करता ही है, आपके रोजी रोटी को भी प्रभावित कर देता है। यानी फाइलेरिया हो जाने पर आप काम करने से भी आपको बचना पड़ता है, क्योंकि आपका शरीर जो है उस उतना काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाता है जितने कि स्वस्थ व्यक्ति हो पाते हैं। तो लगातार ये फाइलेरिया जब फैलने लगता है तो आप काफ़ी बीमार रहने लगेंगे, तो काम धंधे आपको करने में भी काफ़ी दिक्कत आता है। और फाइलेरिया में केवल पैर ही नहीं फूलता है आपका, बल्कि हाइड्रोसिल भी फूलता है और पेशाब भी दूध की तरह होने लगता है और छाती जो है ये भी, अगर स्त्री है उनका ब्रेस्ट जो है छाती जो है वो भी धीरे धीरे उनमें गिल्टी या सूजन आने लगता है। और दूध की तरह पेशाब हो तो उसे धातु दोष न समझे, बल्कि फाइलेरिया का एक खास प्रकार भी हो सकता है। जब हमने 66 साल पुराने फाइलेरिया के मरीज को ठीक किया, अन्य कई मरीजों को हमने ठीक करके लाइव किया, तब जा करके लोगों को मालूम हुआ कि फाइलेरिया जो है 100% ठीक होने वाला बीमारी है। फाइलेरिया ऐसा नहीं है कि कोई कहता है कि इसका इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, बल्कि बहुत सारे डॉक्टर बोलेंगे कि मुश्किल है, कठिन है, झंझटिया है। मतलब फाइलेरिया हो जाएगा, हाथी पांव हो जाएगा, तो ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि ये इसका इलाज ही नहीं होगा, बल्कि इलाज तो है, मुश्किल है। तो हम भी कहते हैं कि मुश्किल है, असंभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि फाइलेरिया ठीक ही नहीं होगा, ठीक होता है, बड़ी दवाइयां चलानी पड़ती है तब जा करके ठीक होता है। आप संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी का जो शक्ति बाण लगा था, मेघनाथ द्वारा जो मारा गया था रावण के, बहुत बड़ा ये जो घटनाक्रम उन्हें चलाया था बेटा मेघनाथ, तो मेघनाथ काफी शक्तिशाली योद्धा था, छोटा मोटा तो कोई योद्धा नहीं था। अब ये आप कहिए कि साधारण कोई भी, वो जो बर्छी जो लगा लक्ष्मण जी को, साधारण कोई भी डॉक्टर ठीक कर दे, तो ऐसा तो नहीं है। उसका उपाय था लेकिन कठिन था, और उसका वैद्य कहाँ थे, वो थे लंका में बैठे हुए थे, यहाँ इधर उधर सात समुद्र पार बैठे हुए थे, और उधर कोई जड़ी बूटी लाने जाता, वहाँ कोई पहुँचता भी तब तक इधर मरीज मर जाते। बहुत कम समय में ही आपको संजीवनी बूटी को लाना जरूरी था, जो असंभव काम को भी हनुमान जी ने कर दिखाया था। वहाँ तो बहुत सारे लोग थे जो कि संजीवनी बूटी का बात सुन रहे थे, लेकिन किसके बस का था, तो केवल सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ये काम कर सकते थे, क्योंकि पवन सुत है, बहुत तीव्र गति से जाने का उनका कथा मिलता है आपको। ठीक उसी तरह से फाइलेरिया को जो समझते हैं कि इतना आसानी से ठीक हो जाएगा, तो इतना आसानी से ठीक होना इतना आसान नहीं है। इसमें आप हेट्राजन, बेलोसाइटफोट, एल्बेंडाजोल, फ्लोरसिट का इंजेक्शन, इतना ही लोग खा खा के समझ जाते हैं कि उनका बीमारी अब ठीक नहीं होगा। अरे दुनिया में उतना ही बीमारी थोड़े है, आपको कितने लोगों के बारे में जानकारी है, कितने डॉक्टर के बारे में जानते हैं, कितने दवाई आप जानते हैं, कितने पैथी को आप जानते हैं। ये जो बीमारी है
वो अंग्रेजी दवा में बहुत सारे बीमारी का स्थायी रूप से उपचार नहीं है, आराम दे देता है, रिलीफ देता है। अब उसे आप सोचेंगे कि नहीं इसको जड़ से ठीक कर देंगे तो कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। जड़ से नहीं ठीक करने के कारण ही होम्योपैथिक दवा का आविष्कार करने की जरूरत पड़ी और उसके सेवन करने से बीमारी ठीक हो जाता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनक देव सिंह जी वो उपचार करते थे, मरीज ठीक होता था। तो होम्योपैथिक दवा इसमें कारगर है, ना कि एलोपैथिक दवा। तो होम्योपैथिक दवा में ये फिलारिन ऑयल है, तत्काल आपको फायदे के लिए आप ले सकते, इसको आप पैर में लगा सकते हैं। चमड़ा मोटा हो गया, थोड़ा सा सूज गया है, दिक्कत करता है, थोड़ा मुलायम रखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसे उम्मीद ना करें। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से हाथी पांव फलेरिया कंट्रोल में आता है। कंट्रोल में आना अलग बात है और बीमारी को ठीक होना अलग बात है। तो बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए आप अपना ये व्हाट्सएप करके उस पर सलाह ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 9807755533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070003342, यानी 7070003342 पर आप हमारा राय ले सकते हैं और YouTube में कमेंट करके भी आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो फाइलेरिया ये जो सुबह से लेकर के जब आप चलेंगे तो आपका पैर जो है ये धीरे धीरे मोटा होते होते आपको शाम तक मोटा होगा, रात में आपको ये पैर कभी भी नहीं फूलता है। लटका करके बैठेंगे, यदि पैर लटका करके बैठेंगे तब जाके पैर आपका फूलेगा। किसी किसी को बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी किसी को हाइड्रोसिन में प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसको फाइलेरिया का ही आप रूप समझे, हाइड्रोसिन जो होता है फाइलेरिया का ही एक रूप होता है। तो इसमें छाती में भी गिल्टी आता है और आँख लाल हो सकता है आपका, और इसमें आँख लाल हो जाता है और फाइलेरिया का पैर जो मोटा हो जाता है, इसमें घाव बन जाता है, पानी आने लगता है और फाइलेरिया के पैर में आपको खुजली यानी चमड़ा का बीमारी भी होते देखा गया है, जो कि काफ़ी आपको खुजली करता है और बुखार आ जाने पर काफ़ी ज़्यादा शरीर कांपने लगता है, उल्टी भी होता है, शरीर में पूरा दर्द भी आ जाता है। तो ये इसमें आपको घबराए नहीं, उल्टा पुल्टा इलाज न ले, इधर उधर इलाज न ले, बीमारी घटने के जगह पर बढ़ जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि कई जड़ी बूटी को डाल करके पानी में गर्म पानी डाल देंगे, पैर रखवाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। इस तरह से करने से आपका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा, लेप लगाने से बीमारी ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी दवा चाहे कितना भी करा लीजिए उसे ठीक नहीं होगा। अंग्रेजी दवा के दम पर, ऑपरेशन के दम पर, केरला भी आप जाइएगा ट्रिमिंग के दम पर, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। बल्कि इसको ठीक करने का एक खास तरीका होता है, कई रिसर्च करनी पड़ती है तब जा करके ठीक होता है। ऐसे कोई भी बीमारी पर हम वीडियो नहीं लाते हैं, हम वीडियो उसी बीमारी पर लाते हैं जो चुनौती भरा आपका बीमारी है। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी उसको खोज रिसर्च नहीं कर पाए। ऐसे मरीजों को जब 100% हम ठीक कर देते हैं, लाइव करते हैं, उसके बाद आपको विश्वास दिलाते हैं, उसके बाद हम अपने को विश्वास में लेते हैं। अब जब हमें लगता है कि फाइलेरिया 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है, तब जाकर के हम वीडियो को लाते हैं। अब हाथी पांव, बुचेरिया बैंक्रप्टी, अब आप इस घाव फोड़ा फुंसी थोड़े है, इतना आसान थोड़े है कि जो आज दिया जाएगा दवा कल से आपको ठीक हो जाइएगा, समय लगेगा। जब ये थोड़ा कठिन है, ये साधारण ये संजीवनी बूटी लाने के समान होता है फाइलेरिया, ये नहीं है कि असंभव नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल इलाज जरूर है, हम ये नहीं करते हैं कि अभी दवा देंगे आपका तुरंत ठीक हो जाएगा, नहीं, ये मुश्किल है, असंभव नहीं है। हम भी मानते हैं कि फाइलेरिया एक झंझटिया बीमारी है, एक असाध्य बीमारी है, लेकिन अच्छे ढंग से इलाज करने के बाद में
बेहतरीन अनुभव के साथ में आपका बीमारी जरूर ठीक होता है। आइए कुछ हम चित्र के माध्यम से कुछ एक इसको देखें आप कैसे कैसे होता है, मच्छर कैसे कैसे काटता है लोगों को जाकर के। मच्छर काटेंगे आप खुजली करेंगे और कई लोग इसको खुजली को हल्का में ले लेते हैं। खुजली को हल्का में कभी न ले, मच्छर के काटने के बाद में फलेरिया देखिए अब कैसे छाती बढ़ गया ये छाती, और देखिए विष प्रांत जो है इस पर। बहुत कम ऐसे जिले हैं, स्टेट हैं, माने राज्य हैं भारत के जहां पर फलेरिया कम पाया जाता है, बाकी बहुत जगह पर फलेरिया आपका पाया जाता है। तो इसमें बहुत आप देख सकते हैं कि फलेरिया कितना घातक, और कई प्रकार के इसमें एलोपैथिक दवा सरकारी अस्पताल में आपको चलता भी है। सरकारी अस्पताल में लोग चलाते हैं दवा, बहुत सारे इसको कंट्रोल रोकथाम होता है। रोकथाम करना अलग चीज है और बीमारी को ठीक करना, इसमें मच्छरदानी का आपको प्रयोग आपको करनी चाहिए। साफ सफाई आपको हमेशा रखें, साफ सफाई हमेशा रखें। तो कई वीडियो इस पर आप देख सकते हैं, कई सारे वीडियो में दिखाया जाता है। तो कई डॉक्टर से आप मिलते होंगे तो अंग्रेजी दवा जो एलोपैथिक दवा है, तो एलोपैथिक दवा है उससे आपको कंट्रोल होता है। जितना सरकारी अस्पताल में जो दवा चलता है उसे कंट्रोल होगा, ठीक करने के लिए होम्योपैथिक दवा का ही आपको इलाज लेना पड़ेगा। तो बहुत पुराने पुराने जटिल से जटिल बीमारी भी ठीक हो जाते हैं। हाथी पांव पैर आपका ये पैर फूलते फूलते ये बहुत मोटा हो जाएगा आपको एक दिन, और महिलाओं को भी इस तरह से देखने में आता है फलेरिया, महिलाओं को भी ये नहीं छोड़ता है बीमारी। शुरू शुरू में आपका जो पैर होता है उतना मोटा नहीं रहता है, लेकिन गलत इलाज आप ले लीजिएगा, सही इलाज आपको नहीं मिलेगा। झाड़ फूक, ओझा घुनी, नीम हकीम, कहीं कहीं बाल्टी में आपको डालकर तरह तरह के पानी, गर्म पानी, नमक क्या क्या डाले, सभी से बीमारी आपका टाइम किल होगा। इसमें बीमारी से आपका ठीक नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। तो इसके इलाज के बारे में हम बता रहे हैं कि जड़ से समाप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फलेरिया का ऐसा रूप जो कि आपको भ्रमित कर देगा, डरा देगा, इतना खतरनाक होगा, ये सब आपके सही जानकारी नहीं होने के कारण ही इतना खतरनाक फलेरिया आपको हो सकता है। ये सही आपको जानकारी नहीं है इसलिए, नहीं तो अन्यथा आपको ये इस टाइप का फलेरिया ऐसा केस कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। आपको जानकारी नहीं रहने के वजह से आप छोटा बीमारी भी बड़ा विकराल रूप ले लेता है, और सबसे पहले कोई भी जाता है तो अंग्रेजी एलोपैथिक इलाज करने के लिए ही जाता है, अंग्रेजी दवा, और खूब लोग खाते खाते और कितना लोग तो ऑपरेशन ही करवा देते हैं। अरे आपका बीमारी नहीं ठीक होता है तो कई जगह उसको उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए। आज तो YouTube बन गया है और कई बीमारियों का उपचार आपको नहीं जानकारी है तो YouTube में आपको डॉक्टर मिलते हैं। ये सब तो पहले नहीं था, आज इसलिए बहुत सारे बीमारियों का उपचार संभव हो पाया है कि बहुत सारे डॉक्टर को तो जानकारी रहता था बहुत सारे बीमारी का, चूंकि ट्रेडिशनल परंपरागत चीज से बहुत बीमारी का इलाज ये बाप दादाओं से खानदानी आ रहा है, और उस मेडिकल कॉलेज में उसकी पढ़ाई नहीं होती है। मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई होती है पूरा इंडिया के मेडिकल कॉलेज में एक जैसा होता है, एक ही तरह का पढ़ाई सभी जगह होगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर जो होता है उसका एक्सपीरियंस जो होता है उसको खानदानी भी मिल सकता है, और इसमें होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद बहुत तरह का चिकित्सा पद्धति होती है। कौन सा बीमारी किसमें दिखाए इसका तो कम से कम को ध्यान होनी चाहिए। आप गलत डॉक्टर पढ़ेंगे, नीम हकीम पढ़ेंगे, फिर में आपको साधारण आपको मच्छरदानी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। कई लोग को तो मच्छरदानी भी प्रयोग नहीं करते, इसमें किसका दोष है?
बहुत लोग को मालूम नहीं है कि मच्छर के काटने से कितना भयानक बीमारी होता है, ऐसे ही सो जाते हैं अस्कत के मारे। ये क्या कहलाएगा, आलसी, आलसी बने हुए हैं। मच्छरदानी को लगाने में तो दम न लगता है, रोज रोज लगाना है, नियम पर चलना है, तो नियम पर चलने में तो थोड़ा कठिन तो होता ही है। अब ऐसे ही बिना मच्छरदानी का सोना, वाह क्या मजा आ जाता है, बिना मच्छरदानी का सोना तो सबको ठीक लगता है, लेकिन जो नियम का पालन करेगा, मच्छरदानी का रोज रोज प्रयोग करेगा तो कितना झंझट है, चारों कोन को हमेशा बांधिए, फिर मच्छरदानी को सरियाइए, फिर लगाइए। आप कितना लोग तो बेड बिछावन को भी नहीं झाड़ते हैं, सफाई नहीं करते हैं, बिछावना कल का जैसे है उसी पर फिर जाकर सो जाएंगे। तो गंदगी से भी दूर रखना है अपने आप को, गंदा जहाँ पर पानी इकट्ठा हो वहाँ से कम वहाँ सफाई रखिए। तो ये जागरूकता आपको फैलानी चाहिए, इसमें समाज के सभी लोग मिलेंगे तो बीमारी को जड़ से मिटाया जा सकता है। अगल बगल में कहीं मच्छरदानी, बिना मच्छरदानी के प्रयोग करके सो रहे हैं, थोड़ा सा जागरूक आप बनाइए लोगों को। मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे मॉस्किटो नेट का, तो कई प्रकार के कीड़े आपको बेड पर नहीं चढ़ेंगे, सांप बिच्छू से भी बच जाता है। थोड़ा स्टैंडर्ड वाला लाइफ आप जीने की कोशिश करें, स्टैंडर्ड वाला लाइफ नहीं जिएंगे तो कैसे होगा। मच्छरदानी फटा हुआ है उसको भी लगा दिए, मच्छरदानी फट गया तो उसको भी रिपेयरिंग करिए, अच्छा मच्छरदानी हमेशा खरीद के लाइए बढ़िया वाला, और मच्छरदानी में हमेशा सोने का प्रयास करें, तब जाके फलेरिया इसमें शिक्षक, नेता, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, विधायक, सांसद, यहाँ तक लेके थाना प्रभारी, पुलिस इंस्पेक्टर, सब लोग लगेगा, तब जागरूकता आएगी, तब भारत के लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे ही रोड पर सो जाते हैं बिना मच्छरदानी का, तो जब बीमारी हो जाएगा तो इसको बुचेरिया बैंक्रप्टी से आप बच सकते हैं। जब हो जाता है कस के हाथी पांव, उस समय कितना इलाज कठिन हो जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इलाज करना, लेकिन हाँ नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है, कठिन जरूर है, लेकिन फलेरिया 100% ठीक होके रहेगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।